दोस्तों आज के वीडियो, अगर आप चिकित्सा विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये भारत सरकार के अंतर्गत निकली हुई है और ये कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल एवं वीएमएमसी नई दिल्ली में निकली हुई है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि ये सीधी भर्ती के आधार पर समूह सी और समूह बी अराजपत्रित के पदों पर भर्ती की जा रही है और इन पदों का विवरण, रिक्तियां, संख्या, वेतन बैंड, ग्रैंड पे, श्रेणी, आयु, वांछित योग्यता, अनुभव सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले मैं शुरू करता हूं आपको कि पद का नाम क्या है। यहां पर फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोटिक्स, जूनियर टेक्नीशियन लेवल टू, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट और फार्मासिस्ट, इन पदों के लिए वैकेंसी की जा रही है और ये वैकेंसी सीधी भर्ती के द्वारा की जा रही है। अब आगे चलते हैं, इसमें आयु सीमा क्या चाहिए। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप जूनियर टेक्नीशियन के पद पर लेदर टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं लेवल टू के लिए, तो आपके पास मैट्रिकुलेशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से इंडस्ट्रियल रेड लेदर वर्क तथा सर्जिकल शूज में मोल्डिंग स्पेशलाइजेशन के सर्टिफिकेट सहित लेदर वर्क्स के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोटिक्स लेवल टू के लिए आपके पास आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए और मैट्रिकुलेशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से निम्नलिखित ट्रेड, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में से एक सर्टिफिकेट सहित 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। यदि आप जूनियर टेक्नीशियन फुटवियर टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं तो आपकी आयु सीमा 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके समकक्ष योग्यता और मान्यता प्राप्त संस्थान से शू मेकिंग में सर्टिफिकेट सहित शू मेकर के रूप में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपको एज 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए और मैट्रिकुलेशन तक से मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष योग्यता और 1 वर्ष ईसीजी मशीन हैंडलिंग करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 6 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 से 30 वर्ष के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और विभागीय अभ्यर्थियों हेतु 40 वर्ष तक छूट भी है इसमें और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी कार्मिक हेतु भी छूट है इसमें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑप्टोमेट्री में 4 वर्ष की अवधि डिग्री होनी चाहिए आपके पास। फार्मासिस्ट लेवल 5 के लिए 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी एज, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्मिकों हेतु 40 वर्ष तक छूट प्राप्त है। 10+2 साइंस के साथ की हुई आपने और फार्मेसी में 2 वर्ष से डिप्लोमा है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका पंजीकरण होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो अगर इसका पूरा डिटेल चाहते हैं, रिटिन में देखना चाहते हैं, तो वो चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली को रोजगार समाचार में जारी विज्ञापन की तिथि 30 दिन के अंदर सामान्य स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं और राष्ट्रीय अवकाश रविवार तथा अन्य कोई अवकाश भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया तो अगला कार्य दिवस खुलने की तारीख माना जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको लगभग लगभग मार्च के अंदर ही आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। इसकी पूरी जो डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप संस्थान की वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.vmmc-sjh.nic.in। दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं और मैंने ये कुछ वीडियो बनाया हुआ है तो इसमें लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से है और पूरे डिटेल के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है और इसकी वेबसाइट से पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर रोजगार समाचार आपको देखना है। रोजगार समाचार में ये वैकेंसी अभी जल्दी में ही निकली है तो एक बार रोजगार समाचार देख लीजिएगा और वेबसाइट पर पता कर लीजिएगा, नहीं तो सफदरजंग अस्पताल में जाकर आप वहां पर भी इस जो नियुक्ति विभाग है वहां पर भी इसका पता कर सकते हैं और जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, आपकी एज, आपका
क्वालिफिकेशन और यहाँ की जो शर्तें हैं, अगर वो आपके लिए फिट बैठती हैं, एक्यूरेट है, तो ही आप अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये मेरा पर्पज है कि बस आपको जानकारी दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, और लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए आप हमारा जो चैनल है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलेंगे और लगातार मिलते भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों।